16 साल पहले 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख जब देश की शान संसद पर जैशे मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे। उस दिन संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मियां तेज थीं। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए कूच कर चुके थे। बहुत से सांसद भी वहां से जा चुके थे, पर गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अभी भी लोकसभा में ही मौजूद थे। इसी बीच सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने देखा कि एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद मार्ग पर बढ़ती हुई पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। यह कार गेट नंबर 11 को पार करती हुई गेट नंबर 12 के पास पहुंच चुकी थी। यहीं से राज्यसभा के अंदर जाने का रास्ता भी है, मगर यह कार उस दिशा में बढ़ चली जहां पर वाइस प्रेसिडेंट का काफिला खड़ा था। कि वाइस प्रेसिडेंट का काफिला निकलने वाला था, ऐसे में उस कार को वहीं रुकने का इशारा किया गया। अचानक उसने कार पीछे की जो राष्ट्रपति के काफिले की कार से टकरा गई। एएसआई जीतराम गुस्से में कार ड्राइवर के पास पहुंचे और उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि अंदर सेना के जवान बैठे हैं। इतने में ड्राइवर ने एएसआई को कहा कि हट जाओ वरना गोली मार देंगे। इतने में एएसआई को समझ आ गया कि अंदर बैठे लोगों ने भले ही सेना की वर्दी पहन ली है, लेकिन वे कोई और हैं। ऐसे में उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला। कार चला रहा शख्स तेजी से कार को गेट नंबर 9 की तरफ ले जाने लगा। इतने में एक और सिक्योरिटी गार्ड जेपी यादव ने यह सब देखा और तुरंत सभी को मैसेज दिया कि सभी गेट बंद कर दिए जाएं। उधर हड़बड़ी में एम्बेसडर कार सड़क किनारे लगाए गए पत्थरों से टकराकर रुक गई। कार में सवार 5 लोग उतरे और उन्होंने तुरंत वायर्स बिछाना शुरू कर दिया। एएसआई जीतराम ने एक आतंकी पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। गोली आतंकी के पैर पर लगी, दूसरी तरफ से भी फायर हुआ और गोली लगने से जीतराम वहीं गिर गए। आतंकी चाहते थे कि कार में ब्लास्ट कर उड़ा दें, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उधर गेट बंद कराने का मैसेज देकर आए सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचे, मगर आतंकियों की गोली के शिकार होकर उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे थे और ग्रेनेड फेंकते जा रहे थे। पार्लियामेंट जल्द ही गोलियों और धमाकों की आवाज से दहल उठा। सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आए और पूरे कैंपस में फैल गए। उस वक्त 100 से ज्यादा सांसद पार्लियामेंट में ही मौजूद थे। ऐसे में उस वक्त के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी समेत बड़े नेताओं को पार्लियामेंट में ही बनी एक सीक्रेट जगह पर ले जाया गया। अब तक सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठा लिए गए थे, गेट बंद थे और फोन लाइन डेड। 3 टेररिस्ट जख्मी भी हो गए थे, मगर फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि गेट नंबर 9 बंद है तो वे गेट नंबर 5 की तरफ भागने लगे, मगर इनमें से 3 को सुरक्षा कर्मियों ने गेट नंबर 9 के पास ही मार गिराया। एक टेररिस्ट ग्रेनेड फेंकता हुआ गेट नंबर 5 के पास पहुंच गया, मगर यहां उसे भी ढेर कर दिया गया। 5 में से 4 आतंकी मार गिराए जा चुके थे, मगर एक आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था। यहीं से सभी लोग अंदर जाते हैं। इस गेट को भी बंद कर दिया गया था, ऐसे में वह यहीं रुक गया। इस टेररिस्ट ने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध रखे थे। इसका इरादा अंदर घुसकर खुद को ही उड़ा देने का था, मगर तभी एक गोली उसके शरीर पर लगे विस्फोटक से टकराई और ब्लास्ट हो गया। आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच करीब 30 मिनट तक मुठभेड़ चली। जिस कार से आतंकी अंदर आए थे उसकी जांच करने पर पता चला कि उसमें हथियार और विस्फोटक रखे हैं। कार के अंदर 30 किलो RDX रखा गया था। अगर इस कार में धमाका हो जाता तो हालात बेहद खराब होते। आतंकी इस बात की पूरी तैयारी कर आए थे कि सांसदों को बंधक बना लिया जाए। हालात सामान्य होने के बाद संसद भवन के लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही थी। सभी का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा था। जब सुरक्षा कर्मी इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि अब कोई खतरा नहीं है, तभी सांसदों और मीडिया कर्मियों को बाहर निकाला गया। इस अटैक में 9 लोगों की जान गई और इनके अलावा 5 आतंकवादी भी मारे गए। मगर देश सलाम करता है उन जवानों को जो अपनी जान पर खेलकर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। कौशल कुमार, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।